हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस यूजिंग केएमएल बट फॉर पीओएस इक्वेशंस। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इन दिस क्वेश्चन और द गिवन क्वेश्चन इज मिनिमाइज द फॉलोइंग फंक्शन using KMap and explain the boolean function in SOP in previous form. Is it? So the question is similar to the previous questions, but in this question the function f having four variable a, b, c, d that is equal to pi of m. So here pi stands for the given function is in POS form. Is it? So the given question is a canonical form of POS or max terms. So यहाँ पर capital M represent कर रहा है कि यहाँ पर जो terms देके रखी है ये max terms है, ठीक है? So आज के questions पिछले questions से थोड़ा सा difference है कि पिछले question में जो हमें equation देके रखी थी या जिस function के लिए हमें KMap design करना था या minimization करना था, वो हमें इस OP form में दिया था, ठीक है? यहाँ पर जो हमें दिया है वो मिक्स टर्म के फॉर्म में दिया है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये पीओएस फॉर्म है, ठीक है? सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना रहता, जो क्योंकि चार वेरिएबल्स हैं तो जो हमारा केमिप का साइज होगा वो 16 सेल्स का होगा। तो यहाँ पर अब हम जब एसओपी क्वेश्चन दिया रहता तो जहाँ पर भी मिन टर्म्स आती थी, स्मॉल एम दैट रिप्रेजेंट्स मिन टर्म, तो जहाँ पर मिन टर्म आती थी उन पोजीशंस पर हम वन फिल करते थे, ठीक है? सो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे क्योंकि पीओएस फॉर्म जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है एसओपी फॉर्म का, एसेट। तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, जिस भी पोजिशन या जो जो मैक्स टर्म्स गिवन है उन पोजीशंस पर हम यहाँ पर जीरो फिल करेंगे, है ना? तो लाइक 1, 3, 5, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पर भी ये पोजीशंस हैं, ये मिक्स टर्म्स की पोजीशंस हैं कैनोनिकल फॉर्म में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो फिल कर लेंगे। लाइक 1 यहाँ पर जीरो है, 3 है, देन 5, 7 एंड सो ऑन। एक्सेक्ट। सो जितनी मिक्स टर्म्स की बने, जहाँ जहाँ पर मिक्स टर्म आएगी वहाँ पर जीरो जीरो आएगा और बाकी की जगह क्या आएंगे, वन वन फिल करेंगे, ठीक है? सो अब तो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक्सप्रेस करना है इस गिवन फंक्शन को एसओपी और पीओएस फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं वो भी हम पीओएस फॉर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर जीरो जीरो को किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से चूंकि यहाँ पर ए और बी वेरिएबल है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लस बी, सो दैट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द एसओपी। अगर ये एसओपी में होता तो एसओपी के लिए जो केएमएफ होता वो यहाँ पर ए डैश बी डैश होता, हम पीओएस में देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी। सिमिलरली फॉर सीडी, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सम टर्म्स निकालना। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं या सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं वो पीओएस फॉर्म के लिए देख रहे हैं, सो पीओएस फॉर्म के लिए हमें क्या निकालना है, सम टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर जो हम पेयरिंग करेंगे वो नंबर ऑफ जीरोस की करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम जीरोस की पेयरिंग देखते हैं, सो जो यहाँ पर एक पेयर बन सकता है, सबसे पहला जो पेयर बन सकता है इन फोर जीरोस का बन सकता है, ठीक है? अगर हम सेकेंड पेयर की बात करें तो सेकेंड पेयर जो है वो इस तरीके से इन फोर जीरोस का बन सकता है ना। अगर हम थर्ड, अगर हम इन दो, अब हमारे पास कितने जीरो बचे हुए हैं, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये दो जीरो बचे हुए, तो इन दो जीरो की दो तरीके से पेयरिंग हो सकती है, या तो हम इन दो जीरो के साथ में भी ये पेयरिंग कर सकते हैं या फिर इन दो जीरो के साथ में भी हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी दो जीरोस के साथ में इसके साथ में पेयर बन सकते हो, और जो मैक्स पॉसिबल साइज है इन जीरोस के लिए वो फोर का पेयर बन सकता है, ठीक है? सो दिस वन कैन बी अ पेयर ऑफ दिस फोर जीरोस, इज इट, और दिस वन कैन बी अ पेयर ऑफ फोर जीरोस, ठीक है? सो इन चार तरीके से यहाँ पर पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है, लेकिन इसमें से आइदर रेड या ग्रीन ब्लॉक में से हमें कोई सा भी एक ब्लॉक लेना है मिनिमाइज्ड एसओ मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है? सो यहाँ पर अगर हम सम टर्म्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला टर्म जो है वो इन इस ब्लॉक के लिए देखें, ब्लू वाले ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टू रोज को कवर कर रहा है, तो फर्स्ट टू रोज में अगर हम देखें तो कॉमन यहाँ पर जो टर्म है वो ए है, इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है डी डैश, सो ए प्लस डी डैश शुड बी द फर्स्ट सम टर्म, द नेक्स्ट सम टर्म विल बी फॉर द रेड ब्लॉक, दिस वन विल बी, so it covers a single column and cover all rows, so all rows it means a and b is eliminated, is it?
and it covers this one column. So C plus D' is the sum term for the corresponding group of zeros or pair of zeros, is it? A next group that is represented by green block, the equation or sum term should be A' plus C, and the next block that represent in a purple block, so the equation should be A' plus D, is it? So, अगर हम यहाँ पर minimize POS expression के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, so minimize expression हो सकता है, एक function हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर red या green दो में से कोई भी इस दो zeros को cover करना, या तो हम red ले सकते हैं या तो green, तो दो में से कोई भी एक हम block लेकर minimize expression निकाल सकते हैं. तो एक में हमने क्या किया है, एक में इस expression में हमने red वाले block को consider किया और इस वाले expression में हमने green वालों ब्लॉक को कंसीडर किया है, ठीक है? सो दिस वन कैन बी एन पीओएस एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केमे और दिस वन कैन बी एन सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है? सो दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप जो जिस तरीके से भी पेयरिंग करते हो उस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं. सो बोथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? नाउ क्वेश्चन में एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे हमने पीओएस फॉर्म तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमसे एसओपी एक्सप्रेशन भी पूछा गया है, ठीक है? सो एसओपी एक्सप्रेशन के लिए लास्ट एग्जांपल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे या लास्ट एग्जांपल आपको याद होगा, तो जब भी हमें एसओपी एक्सप्रेशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? सो इसी को अगर हम एसओपी एक्सप्रेशन, लेट सपोज अगर हमें एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द गिवन के में, सो द अच्छा नंबर ऑफ जीरोस और वंस तो एज इट इज होंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो मिक्स टर्म है, तो जहां पर मिक्स टर्म आएगी वहां पर जीरो, जहां पर मीन टर्म आएगी वो वन, ठीक है? सो इसको दो तरीके, एक तो आप चाहो तो मिक्स टर्म की जगह जीरो लिखो, या फिर आप इसका रिवर्स करके मीन टर्म निकाल के उनकी जगह वन लिख सकते हो, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पर हमें एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द गिवन में, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ वंस की अगर पेयरिंग देखें, सो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं एसओपी एक्सप्रेशन के लिए, इसलिए हम वंस की पेयरिंग कर रहे हैं. सो जो एक पेयर बन सकता है वो इन टू का पेयर बन सकता है, और एक जो पेयर बनता है जो पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है, ये फोर वंस की हो सकती है और एक इन टू वंस की हो सकती है, ठीक है? इनके लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा एसीडी, वाई बिकॉज इट covers or it lies in between these two rows, is it? So B is eliminated and A is the variable corresponding to this group of ones, is it? And अगर हम इसी को अगर हम column में देखें तो column के लिए यहाँ पर हो सकता है CD is the column, so the product term, is it? क्योंकि ये SOP expression है, तो sum of product terms, so the first product term or one product term is ACD and the another product term will be A' D'. Why? Because it covers these two rows, so A' is common, and in these two columns, D' is common, so A' D'. And the SOP expression for the given KMIP should be F is equals to ACD plus A' D', because SOP it means sum of product terms. So these product terms can be sum up, and it will give the equivalent function or simplified function. Is it? सो दिस इज क्लियर टू ऑल. जहां पर भी हमें मिन टर्म्स आती है वहां पर वन लिखना है, जहां पर मिक्स टर्म आती है वहां पर जीरोस लिखना है. अगर हमें पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है तो हम जीरोस की पेयरिंग करेंगे, अगर हमें एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है तो हम वंस की पेयरिंग करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो.